यूट्यूब का अब्बू हूँ, इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी के बाद मेरा नाम इंडिया में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा है वो? देखिए मुझे पता है मेरे इंडियन बहन भाई जो है वो इंसानियत के फैक्टर को बड़ा प्रमोट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बड़ा यूट्यूबर है छोटा यूट्यूबर है, वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि यार इंसानियत का फैक्टर है, इस चीज़ को प्रमोट करने की अच्छा काम करें, इस चीज़ को प्रमोट करना हमने। इंडियन ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें वो जितने भी यूट्यूबर हैं छोटे जो हैं वो भी सारे जो हैं इंडिया की हिमायत में बोलते हैं, ठीक है, हिंदू की हिमायत में बोलते हैं, तो उनको किसी को अनसब्सक्राइब ना करें, रिपोर्ट ना करें, बल्कि आप उनकी पूरी वीडियोज़ भी देखें, वो जितने भी हैं इंडिया के हक में, ठीक है, काइंडली जिन्होंने उसे रिपोर्ट किया है, अनफॉलो किया है, वो सारे उसको फॉलो करें, रिपोर्ट ना करें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि उनको उनको व्यूज रेशो अच्छे आए, ताकि वो कराची जा सकें और आपका जो है वो उधर इबादत गाह मंदिर है उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए आवाज उठा। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स हमारे ऐसे हैं जिनको बड़ी मिर्चें लगनी है। आज मैंने एक बंदे की वीडियोस देखी है जो ये कहता फिर रहा है कि छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर कम है उनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाने से। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई जब आपने स्टार्टअप लिया था कि आप फर्स्ट डे थे आपके इतने सब्सक्राइबर थे, आपके साथ गलत हो रहा है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अगर उनके मंदिर को हटाया जा रहा है तो नहीं, ये गलत चीज़ है, जो उनकी इबादत गाह है उसको नहीं हटाना चाहिए। और जितने यूट्यूबर्स हैं सब इत्तफाक करो, इत्तफाक में बरकत है, इस्लाम में है ये, ठीक है, इत्तफाक करो, सबको इकट्ठा करो, ठीक है, तुम एक अच्छी वीडियो बनाओ ताकि सबकी नजरों में तुम अच्छी हो जाओ, बस हिंदूज की नहीं, इंडियंस की नहीं। और ये नहीं देखते कि यार ये बड़ा यूट्यूबर है छोटा यूट्यूबर है। हाँ, जहाँ तक रही बात शेर चौधरी की, ये मुझे पता है कैसा काम करता है, स्क्रिप्टेड काम, नॉर्मली मैं स्टारलेट के बोर्ड के बैठ जैसे स्क्रिप्टेड काम करता है, वहाँ को समझा के मुझे मेरे इंडियन बैंड भाई व्यूवरशिप जो है कह देंगे तो मैं उस चीज़ को साथ एडिट क्या चीज़ को मैं साथ एडिटिंग में लगा भी दूंगा, ठीक है। जो बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं आपको लगता है कि वो सपोर्टिव हैं या सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो बात है जो इंडियन पाकिस्तान वाला कंटेंट है ना, अब इसके हवाले से अगर मैं बात करूंगा, कुछ यूट्यूबर्स हमारे ऐसे हैं जिनको बड़ी मिर्चें लगनी है। आज मैंने एक बंदे की वीडियोस देखी है जो ये कहता फिर रहा है जी छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर कम है उनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाने से। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई जब आपने स्टार्टअप लिया था कि आप फर्स्ट डे से आपके इतने सब्सक्राइबर थे, अगर अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी है, अल्लाह पाक ने आपको इतना मुकाम दिया है, तो यार जेलसी फील ना करो, दूसरे जो बंदे रिजल्ट कमा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो, ये ना कहो हाँ मेरी बात सुने। जो बंदा कंटेंट करता है आप किसी चीज मर्जी से अपना कंटेंट नहीं करवा सकते। अब इंडियन लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं, उनके अंदर दिमाग है कि ये भाई जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जो इंडियन यूट्यूबर्स हमें नजर आते हैं, इंडियन आवाम नजर आती है, उनका चाहे एक बंदा जिसके पास एक सब्सक्राइबर है उसको भी सपोर्ट करेंगे, उसको भी ऊपर लेके जाएंगे, लेग पुलिंग नजर नहीं आएगी, ना ही उसे के अगेंस्ट बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि आपने बताया कि ऐसे यूट्यूबर है, एक ऐसे यूट्यूबर है जो कि बार बार यही रिपीट करते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, वो कराची नहीं आते हैं, वो इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर मंदिर ये हो गया, उसमें ये चीजें प्रॉब्लम हो गई हैं। आपको नहीं लगता है कि उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? जिस तरह से इंडियन अपने हर यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट नजर भी आ रही होती है, वो किसी को डिग्रेड नहीं करते हैं, चैनल पर जाकर ये नहीं बात कर रहे होते, पर्सनली किसी को अटैक नहीं करते हैं। लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। मेरे रेगुलर व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि मैंने आज तक हेट स्पीच नहीं की, मैंने किसी के अगेंस्ट, किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट स्पेशली कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरे अगेंस्ट अक्सर मैं देखता रहता हूं, मुझे मेरी टीम बताती है कि बहुत से लोग हैं जो हमें सामने मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी चैनल पे जाके कहते हैं तो ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहा है। कि आप जी छोटे यूट्यूबर्स को जाके सब्सक्राइब करें, उनसे बात ना करें, उनके चैनल्स को मत देखें। हाँ मैम, देखें सबसे पहले तो अक्सर भाई बात करते हैं ना मिनोरिटी की, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि हर चीज़ से पहले जो है ना हमारा मजहब है, हमारा मुल्क है, ठीक है, आप अपनी जगह पे कंटेंट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अल्लाह पाक और आपको कामयाब दे, तरक्कियां करें, हम आपसे जेलसी नहीं है। लेकिन आपने ये जो बात की है ना, अब देखें एज ए मुस्लिम मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब इंडिया में ये बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट आया, क्या आप इंडिया गए, वहां जाकर आपने ये इशू उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपको पता था ये पाकिस्तानी इशू मैं क्यों उठाऊं, आप इंडियन कंटेंट उठाते ही इसलिए हो कि ज्यादा मुझे व्यूज आए, ज्यादा व्यूवरशिप मिले, भाई आप अपने ज्यादा फायदे के लिए कर रहे हो, और सेकंडली मुझे ये इस चीज का आंसर दीजिएगा, ठीक है, वीडियोस में। जैसे मैं अभी कराची में आया हूँ मिशन सेव मंदिर को लेकर, ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देखकर, मेरी व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूँ, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, अब तक वेट कर रहा हूँ, और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में मैं ये कहता नजर आ रहा हूँ कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ, मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूँ, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहाँ पर नहीं आया। जब भी ओपिनियन ले रहे होते हैं इंडिया के, हिंदू के ओपिनियन ले रहे होते हैं, तो मैं भाई यही आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप शुक्र उस पे करो कि अच्छा चल रहा है, और साथ साथ जो आपने बात की ना छोटे यूट्यूबर्स, उनको छोटा कहने से नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, लेकिन आज से जो जो आपकी इमेज है ना उसको इस चीज से बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं और साथ ये देखते जाएं कि आपने कभी इंडिया में इस तरह की कोई फाइटिंग, कोई झगड़े वाला सीन देखा है कि एक यूट्यूबर दूसरे के साथ लड़ रहा है, या किसी को वो
तंज कर रहा है कि भाई आप छोटे यूट्यूबर हो, मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, ये सारी बातें रोंग है, ये सारे मुद्दे जो है ये केस है, ये पाकिस्तान में ही है। अभी आज की स्टोरी आप देख लें कि वो भाई ने बहुत गलत गलत बातें की हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, आपको चाहिए कि हम दूसरों को साथ लेकर चले, इसमें आपकी जो इमेज है, आपकी रिस्पेक्ट है, और मजीद बढ़ेगी। ठीक, हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है और ये बहुत अच्छा गाते हैं, चले इनसे भी वही सवाल करते हैं। नाम तो इनका सबको पता होगा कि इनका नाम बख्तियार है, फिर भी मैंने बता दिया है। सवाल हमारा आज का ये है कि क्या आपको लगता है बख्तियार के पाकिस्तान में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते होंगे एज कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स, क्योंकि वो हमें अपने छोटे यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो भी जो आप बता रही हैं कि इंडिया के जो है जितने भी हैं व्यूज जो हमें आते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ज्यादा हमें व्यूज देते हैं, ठीक है, रेशो उनकी ज्यादा है, इंडियंस हमारा कंटेंट जो है ज्यादा इंडिया में देखा जाता है, ठीक है, और वो जो है ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का रेयर टैलेंट है या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जो हक की बात कर रहा है उसके मुतालिक वो जो है उसको पॉजिटिव राय भी देते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं और वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो फिर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं इनको क्या मसला है कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं? रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जो कि एक बंदा इंडियन कंटेंट करता है, आपको पता है उस बंदे का नाम? नहीं, आप बता दें। उस बंदे का नाम सुहेब चौधरी है और वो बार बार यही बात करे अपनी वीडियो के अंदर के मैं इस यूट्यूब का अब्बू हूँ, इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी के बाद मेरा नाम इंडिया में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा है वो? हो सकता है उसका बाप इंडियन हो। इसलिए बात कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अगर वो इंडियन कंटेंट में इतना ज्यादा कर रहा है और किसी को जलील भी कर रहा है तो गलत बात है। अब आपने बताया जो वीडियो के मुतालिक के उधर जो है वो जो मंदिर का मसला हुआ है, अगर वो देखना चाहे तो उसको ये कहना चाहिए कि ना कि किसी की लेग पुलिंग करे कि आके ऐसे करें, उसको रिपोर्ट कर दें चैनल, भाई स्ट्रगल होता है, ठीक है, आप नहीं इमेजिन कर सकते इंसान की कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है, इंसान ने उसमें अपना फ्यूचर देखा होता है सारा, ठीक है, और तो इस तरह नहीं करना चाहिए। उसको ये चाहिए, उसको अपनी वीडियो में अगर पॉजिटिव साइड देखेगा तो उसको ये कहना चाहिए था कि जितने छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इधर कराची आए, ठीक है, अगर इतना तो अच्छा है ना इंडियन कॉन्टेंट का, मैं क्या कहूँ से उसको, अपनी सब यूट्यूबर्स को अपनी जेब से पैसे दे इधर आके करो ताकि उनको उनके राइट्स मिले, ठीक है। मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई लेकिन मैंने रिस्पांस नहीं किया, आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है, मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन सेव मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? अब मैं ये चीज क्लियर करता चलूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। मैंने जब ये इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया, जब मैंने यहाँ पे आके कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की, अच्छी बात है, मेरे लिए ये फखर वाली बात है, आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूं आपको भी और खुद पे मैं फखर करता हूं, लेकिन आप यहां पे क्यों नहीं आए? मैं यहां पे जब आया मैंने कंडीशन देखी माइनॉरिटीज की, मैंने यहां पे आवाज उठाने की कोशिश की और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। मतलब ये है कि 50 लाख वो कमाता है महीने का, अब हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं बेचारे, हम चले तो जाएं कराची, ठीक है, जिस तरह से वो वहां पर जाकर इंडियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, किसी और कम्युनिटी का नाम लिया उसने बीच में, किसी मुस्लिम से कोई ओपिनियन लिया, किसी क्रिश्चियन से कोई ओपिनियन लिया, किसी सिख से कोई ओपिनियन लिया, सिर्फ हिंदुओं का नाम ही जारी करता जा रहा है। भाई देखा जाए तो फिर ये जो छोटे यूट्यूबर्स है ना वो बेहतर है, क्यों कि वो दिखावा नहीं कर रहे, वो अगर दिखावा करने के लिए कर रहा है, अपने व्यूज लेने के लिए कर रहा है, इंसान के दिलों में फेक जो है जगह बना रहा है, तो ये गलत है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, ठीक है। अब देखें, मैं जो सपोर्ट करता हूँ भाई हिंदू कम्युनिटी को, मेरे कराची के अंदर खुद बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके घर से खाया, मैंने उनके साथ पिया है, ठीक है, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि किसी के मजहब को गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है, और अगर उनके जो वो इशू हो रहा है मंदिर का तो उसके साथ हम भी साथ खड़े, जितने साथ यूट्यूबर्स हैं उसको चुतिया को ये वीडियो बनानी चाहिए थी, चुतिया को ये वीडियो बनानी चाहिए थी। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ कि भाई सारे यूट्यूबर्स इधर मिलके आए कराची में, हम मिलकर आवाज उठाएंगे उनके लिए, ठीक है, उसका तो रोजी रोटी सारी चल रही इंडिया की वजह से रहा, उसने तो बात इंडिया की करनी है ना सारी, तो बात इतनी सी है भाई, सीधी बात है मेरे भाई, देखो जो दूसरे भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी ख्याल कर, अपने व्यूज के चक्करों में दूसरों की टांग ना खींच, और कह रहा किसी औरत जात को समझो अपना इस्लाम नहीं भूलो तुम, ठीक है,
औरत जात को ऐसे कैमरे के आगे जलील ना करो, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। और मेरा भाई अल्लाह ख्याल रखे तुम्हारा, तुम लड़ो हिंदूस के लिए, ठीक है। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनके मजहब की, ठीक है। अगर उनको राइट्स दुख दर्द हमें भी है, उनका मंदिर डिमोलिश कर दिया गया, बहुत अफसोस हुआ हम लोगों को, हमने उस पे बात भी की, उनकी इबादत का है। आज हक सच की करनी चाहिए, अगर उनके साथ गलत हो रहा है मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी कराची में आया हूँ मिशन सेव मंदिर को लेकर, ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देख कर, मेरी व्यूअरशिप को देख कर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूँ, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, अब तक वेट कर रहा हूँ। और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में, मैं ये कहता नजर आ रहा हूँ कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ, मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूँ, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ। लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहाँ पर नहीं आया। अगर उनके मंदिर को हटाया जा रहा है तो नहीं, ये गलत चीज है, जो उनकी इबादत का है उसको नहीं हटाना चाहिए। और जितने यूट्यूबर्स हैं सब इत्तफाक करो, इत्तफाक में बरकत है, इस्लाम में है ये, ठीक है। इत्तफाक करो, सबको इकट्ठा करो, ठीक है। तुम एक अच्छी वीडियो बनाओ ताकि सबकी नजरों में तुम अच्छी हो जाओ, बस हिंदूज की नहीं, इंडियंस की नहीं, पाकिस्तान की और माशरे की नजरों में तुम अच्छे हो जाओ कि किस तरह के तुमने सबको इकट्ठा किया और सब मिलकर आवाज उठा रहे हो, ना कि तुम अपने व्यूज के चक्कर में बस खुद अच्छे बनो, ठीक है। बस कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि उनको उनको व्यूज रेशो अच्छे आए, ताकि वो कराची जा सकें और आपका जो है वो उधर इबादत गाह मंदिर है उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए आवाज उठा सकें। बड़े यूट्यूबर कौन होता है? वो भी छोटे से ही बड़े बनते हैं ना, ठीक है। तो इसमें बड़े कौन हुआ जी? वो भी छोटा ही यूट्यूबर है मेरी नजर में, क्योंकि उस लेवल से गुजर के गया है, ठीक है। तो इसमें बड़े छोटे का कोई होता नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने की बात तो दूर की बात, सोचते भी नहीं है कि यार ये हमारा छोटा डिग्रेड, मतलब कि आपने बात की है कि एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो यहाँ पर बैठकर हर यूट्यूबर को डिग्रेड कर रहा है, और ये बता रहा है स्पेशली में कि वो एक इंडियन कंटेंट करता है और इंडियंस को ये उकसा रहा है। इट मींस कि वो तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिर वैल्यू रखते हैं इंडियंस के लिए, ये कह लें कि नरेंद्र मोदी के बाद वो उनकी कह लें कि जो गवर्नमेंट उसको संभालने वाला है, जो इतना ज्यादा वो उस यूट्यूबर की बात को मान रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो जितना वो बंदे इस यूट्यूबर से अर्न कर रहा है उसका पेट नहीं भर रहा है इस चीज को लेकर। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है कि ये जो आज बात कर रहा है ना एक सीनियर एंकर को कि जी आंटी है बच्चों की ये, तो वो जो भी व्हाटएवर से बात की है, मेरे पास प्रूफ्स है, एविडेंस है। आप कैसे काम करते हो यार? आप अनारकली मार्केट में जैसे मिलते करके स्क्रिप्टेड काम करते हो ना, मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं वीडियो में प्रूफ लगा भी दूंगा, ठीक है। जैसे आपने अनारकली मार्केट में आप स्टारलेट के बोर्ड के बाहर खड़े हो गए, आप आवाम को, पब्लिक को जो कीवर्ड समझा के उगलवाते हो ना, इस तरह यूट्यूबर से नहीं बनाया जाता, ठीक है। इस तरह ये नहीं बनाया था कि मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरी 50 लाख इनकम है, तो जी मैं क्या कहता हूँ किसी को भी पकड़ रोल दूँ। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, अपील है कि इसकी बातों में ना हो, ठीक है। आप जिस तरह हमें छोटे यूट्यूबर्स को या बड़े यूट्यूबर्स को वट एवर जिनको भी आप जैसे सपोर्ट करो वैसे सपोर्ट करो, और इवन के ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि इसके मुंह पे ये चपेर बचे, ये चपेर पड़े कि यार मैंने ये वीडियो बनाई झूठी वीडियो जिसमें मैंने कुछ यूट्यूबर्स को ब्लेम भी किया, ठीक है। मेरा उस वीडियो का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक। अच्छा ठीक है, आप इस तरह करके दिखाओ, मजा फिर रहा है कि इसके मुंह पे भी चपेर पड़े कि यार व्यूअरशिप से मेरी नहीं, इनको भी सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक और यूट्यूबर मौजूद है, पहले हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और फिर आज का सवाल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, मेरा आज का सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, लगता है कि वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं या इतने सपोर्टिव हैं जितने इंडियंस यूट्यूबर्स सपोर्टिव हैं अपने छोटे यूट्यूबर्स के लिए? पहली बात तो यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने एक अपना कहने के सिस्टम स्टार्ट किया होता है काम के वाले से, हर कोई अपना अपना कॉन्टेंट शो कर रहा है। तो जो रही बात स्पोर्ट्स की, वो मेरा नहीं ख्याल कोई सपोर्ट करता किसी को, हर बंदा अपनी मेहनत से साथ आता है आगे, ठीक है। इंडियन जो है वो सपोर्ट करते हैं एक यूट्यूबर्स को, और दूसरे भी देखें आप कि जो सिंगर्स उनके आते हैं या फैशन इंडस्ट्री के वाले चाहते हैं या कोई उनका टैलेंट आता है बॉलीवुड में आता है या यानी कोई फिल्म हीरो आती है और उसको सपोर्ट करते हैं, टैलेंट को आगे लेके आते हैं, और वो यूट्यूब पर बेशक वो छोटा यूट्यूबर था लेकिन उसको प्रमोट करते हैं, अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाते हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर, मुझे तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल हो गया यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं कोई ऐसा बंदा मिला कि जिसने मुझे कहा कि यार भाई आ तुझे मैं सपोर्ट कर दूँ, तुम 2 साल से मेहनत कर रहे हो। हालांकि जानते सब हैं कि इमरान मार्केट में आता है, इमरान काम करता है, और मुलाकात भी होती रहती है, अक्सर इवेंट्स में जाते हैं हम जो पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं, इवेंट्स में मुलाकात होती है, बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान आ जाओ यार, तू मेरे साथ आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, काम करता हूँ। तो पाकिस्तान में सपोर्ट कम है, लेकिन इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सपोर्ट्स वाले से बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक ऐसी वीडियो सामने आई है, हम उस यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने उस यूट्यूब, आपने देखी वैसे वीडियो? मैंने कोई देखी तो नहीं वैसे अभी वीडियो, आप मुझे सवाल बता दें, मैं उस वाले से
जज कर लूंगा क्या बात की है उसने। ओके चलिए, उस वीडियो में मैंने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर लोग यूट्यूबिंग कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड काम करते हैं, उनका कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती काम के अंदर। मैं इस वक्त अब्बू हूँ यूट्यूब का, मैं इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ, जो भी देखना है मेरे चैनल पर आकर देखो और बाकियों को अनसब्सक्राइब कर दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा क्योंकि वो एक कहले के आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब आपके माइंड क्लिक किया होगा कि किसकी बात कर रही हूँ? सर देखिए, यूट्यूब का बाप तो कोई भी नहीं है, अगर आपने चैनल बनाया तो चैनल तो मेरा भी है, ये तो कोई नहीं बंदा कह सकता कि देखिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप कह लें कि कोई बंदा नहीं कहता मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, क्या बड़ाई है उसमें, सिर्फ ये है कि व्यूज का ज्यादा है उसके, बस यही बात है ना। तो क्या पता कि हमारी वीडियो रात को निकल जाए, हमारे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, फिर क्या कहेगा वो, फिर कहेगा कि जी मेरा बाप वो है, फिर रियल बात इस्तेमाल करेगा ना वो। लेकिन ये गलत चीज़ है कि यूट्यूब, मैं यूट्यूब का बाप हूँ, जो कॉन्टेंट, रही बात कॉन्टेंट की स्क्रिप्टेड करते हैं, मुझे बता दें ड्रामा इंडस्ट्री स्क्रिप्टेड नहीं होती, लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा अगर स्क्रिप्टेड है तो फिर सेम लोग होने चाहिए ना सामने, सेम लोग नहीं सामने होते, देखें आप अननोन चेहरे होते हैं, अगर अननोन चेहरे स्क्रिप्टेड तो नहीं होते। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं आपको कहूँगा कि आप कहते हैं कि जी मैं वो, आप कहते हैं जिसकी बात की है कि YouTube का मैं बाप हूँ, ठीक है, अब वो आपके कहते हैं कि इमरान मेरा बाप है, या वो कहते हैं कि जी वह बाप कहेगा वो अल्फाज स्क्रिप्टेड में, हर किसी नहीं कहेगा क्योंकि ये अल्फाज नहीं कह सकता कोई। हाँ ओपिनियन होती है हर बंदे की कि मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, ठीक है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं सवाल था आपको अपनी ओपिनियन जो होगी मैं दे दूंगा, वो सिंपल बात यह है जिस भी यूट्यूबर ने ये बात की है मैं उसको ये क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि भाई क्या आप भी स्क्रिप्टेड करते काम, आपने कोई प्रोग्राम स्क्रिप्टेड किया होगा, आपने, मैं कहता हूँ कि आपने किए होंगे प्रोग्राम, ठीक है आपने जनवरी 2-4 प्रोग्राम कर लिए होंगे या जितने भी किए हैं, लेकिन आपका, आप ये बात हल्फर कहते हैं कि मैंने एक भी प्रोग्राम स्क्रिप्टेड, जो कह लें कि स्क्रिप्टेड नहीं किया, तो मैं मान चुका भाई ठीक है आपने स्क्रिप्टेड नहीं किया, लेकिन हर बंदा करता है स्क्रिप्टेड यार, कोई बात नहीं इसमें। हाँ जो अदर मालिक होते हैं यानी कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है, कोई एक आधा किसी ने कॉन्टेंट अपना दे दिया, ठीक है, अगर किसी ने स्क्रिप्टेड कॉन्टेंट दे दिया किसी को तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो उसको नहीं टेक मिला, उसने मेहनत की होगी करने की जरूरत है। मैंने जब ये इस YouTube के प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया, जब मैंने यहाँ पे आके कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन्हीं यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की, अच्छी बात है, मेरे लिए ये फखर वाली बात है, आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूं आपको। लेकिन मौसम खराब है, लगता है कि जो उसने ये बात की है कि आप जितने भी इंडियन हैं वो सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं छोटे वाले उनको अनसब्सक्राइब कर दें, उनकी व्यूअरशिप गिरा दें, तो मेरे ख्याल में तो फिर यही लगता है कि जैसे उस यूट्यूबर का रुतबा नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, क्या उसकी बात सुनेंगे, उसको अगला अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ आखिर पे क्या मैसेज देंगे इंडियन ऑडियंस को कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उस यूट्यूबर की बात मान लेनी चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं देखें, जो यूट्यूब, जो जिसने चैनल आपका सब्सक्राइब किया, किसी को जबरदस्ती तो आपने सब्सक्राइब करवाया नहीं, उसने अपनी मर्जी से सब्सक्राइब किया और वो अपनी मर्जी से ही अनसब्सक्राइब करेगा, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे उन्होंने कहावत है कि काना दे आके ढगे नहीं मारते, ठीक है, वो हिसाब है पंजाबी की कहावत है कि वो कहना इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई चैनल से अनसब्सक्राइब नहीं करेगा, ठीक है। हाँ अगर आपके काम को कोई पसंद कर रहा है तो उसने सब्सक्राइब किया है ना, आपका काम को देख रहा है तो उसने पसंद करके, तो फिर आपके चैनल को, क्योंकि चैनल को जबरदस्ती तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं एक तो आपने जबरदस्ती सब्सक्राइब करा दिया होगा कि मेरा दोस्त है यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब ये तो नहीं कि आपने हर बंदा ही सब्सक्राइबर ही जो है स्क्रिप्टेड ले आया, अब ये भी इतनी भी बात गिरी नहीं है कि हर बंदा स्क्रिप्टेड आ गया। भारत के जहरीले टमाटर भारत को ही मुबारक। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। लग गए नहीं, सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। बाबा आपको तो आए हुए अल्लाह अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। और नहीं तो क्या, वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं। मानती हूँ, मैं मानती हूँ जयशंकर का रवैया ये नहीं होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के, दुनिया के 5वीं बड़ी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और अगर दूसरे मुल्क का कोई मेहमान आपके मुल्क में आ रहा है तो मेरा ख्याल है आपको मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करना चाहिए था। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं पाकिस्तान के इमेज के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूबी जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है।
और जितना मीठा मीठा बोलते हैं हम पीस कायम करना चाहते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है। मुझे लगता है कि आपके फैंस ही आपको बनाते हैं। अगर आपके देखने वाले आपको देखेंगे नहीं तो आप तो फिर दो टके के इंसान नहीं है। क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता है वीडियो से ना तो पीस होगा ना अमन होगा। अमन और पीस जब होगा जब पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, क्योंकि पीस और अमन कायम करना पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है, ना इन यूट्यूबरों के हाथ में है, ना इनके पीएम के हाथ में है। इसके साथ क्या रिलेशन रखने हैं ये पाकिस्तान की आर्मी तय करती है, ना कि पाकिस्तान के यूट्यूबर। अब मसला यहाँ पे है अना का, घमंड का, अहंकार का। सना अमजद थी तो मेरे भी बड़ा अना और गुस्सा। तो सना एक जमाने में किंग थी, इकलौती ऐसी थी जिसके लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यू है, और इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। एक टक्कर देने वाली खड़ी हुई थी रिवा इमरान, तो रिवा को तो इसने साइडलाइन करवा दिया। आज रिवा खोपचे में पड़ी हुई है, साइडलाइन कर दिया उसको, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलेगी तो लोग उसे जान से मार देंगे। मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि बहुत से लोगों को इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रही कि आखिर ये अकेली काम करके क्यों इतना कर रही है। और मतलब कुछ वो सारी गेम ही रेटिंग की थी, मेरी रेटिंग अच्छी आ रही थी तो लोगों को उस बात पे बड़ा वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था। काफी अरसे से मुझे थ्रेट्स मिल रहे थे, काफी अरसे से मुझे धमकियां मिल रही थी कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी। और ना डरने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब आप लोगों के सामने है। ये सनामजद कितना भी डिनाई करने की कोशिश करे कि ये मैंने नहीं करवाया, लेकिन सबूत ना चीख चीख के यही कहते हैं कि असली खिलाड़ी बैकडोर से खेलने वाली यही है। कि हमारी दोस्त ने जाकर उनसे सवालात किए और उसमें फिर उनको थ्रेट्स भी हुए, चीजें भी हुई, तो ये इस पे क्या कहना चाहिए? जिस पत्रकार ने रिवा का एक्सपोज वीडियो बनाया था वो सनामजद के साथ कैसे फोटो खिंचवा रहा है? और सबसे कमाल की बात तो है कि रिबा के बाद में उस बंदे ने किसी और को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन रिबा उस वक्त तेजी से ग्रो कर रही थी। सना को टक्कर देने वाली सिर्फ रिबा थी। उसे कहा गया कि वीडियो मिलियंस में गई, बड़ी देखी गई, पसंद की गई, उसके बाद उसने उसका पार्ट टू भी तैयार किया, दोबारा से की। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स को इस पे एतराज था, रिबा लड़की थी, सीधी थी, साइड हो गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने साजिश की, हमजा कहीं बेचारा वहाँ चारा वहाँ चारा वहाँ लिबर्टी में आया था कुछ और करने, कुछ यूट्यूबर्स ने उसको कहा कि तुम इस पे प्रोग्राम करो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। लेकिन यहाँ मिल गया इसको इसके पप्पा जी, उसका नाम है शोएब चौधरी। तो मैं हूँ शोएब चौधरी, और शोएब चौधरी ने इसकी ऐसी लंका लगाई, ऐसी लंका लगाई, ना तो आज इसको दिन में चैन आता है ना रात में सुकून आता है। क्योंकि शोएब चौधरी जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो इसके सब्सक्राइबर भी बीट कर जाएगा। जो इसके बाद तगमा था नंबर 1 होने का, वो तगमा इसका छिन जाएगा। इसके लिए उल जुलूल आरोप लगाती रहती है और हर इंटरव्यू में हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योरना पे काम कर रही है। देखें कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। लेकिन एक सेकंड, मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी, सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था, आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए भाई ये तो कॉन्टेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर मैं वीडियोस देखी है, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन सेव मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल। अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेडअप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनोरिटीज मौजूद हैं तो उनके बच्चे नहीं हैं जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनके जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके योनरा पे काम कर रहे हैं? कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फखर वाली बात है। आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूं आपको भी और खुद पे मैं फखर करता हूं।
लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी माइनॉरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की, और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। कुछ लोग हैं जो अपना दायराकार भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस दायरे से, उनका दायरा क्या होना चाहिए, और किस दायरे से बाहर निकल कर जो है वो काम करें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक वक्त आएगा कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपने बोया है वो आपको खुद ही काटना है। तो हर बंदा अपने अच्छे बुरे किए हुए काम का जिम्मेदार खुद है। और इस नाम जब हिंदुस्तानियों से कितनी पीस फैलाना चाहती है, ये तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया। आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। और इन्हें कोई गलत ना कह दे, वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। शेम ऑन इंडिया, तो ये तो इनके पीस के प्रोसेस है, ऐसे नहीं चले। पहले काफी हद तक स्क्रिप्टेड काम होता था, लेकिन जब से शोएब चौधरी आया इस पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। अगर आप एक साल पहले के पाकिस्तान के रिएक्शन के वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक माइक होता था, बंदे ने जो बोल दिया बोल दिया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाता था। लेकिन ये प्रथा, ये रिवाज अगर किसी ने चलाया इन पाकिस्तान रिएक्शन लेने वालों में, तो वो शोएब चौधरी ने चलाया। ये सामने वाले को काउंटर करता था, उसको फैक्ट बताता था, उसको जो सच होता था वो बताता था। और जैसे जैसे इसकी व्यूअरशिप ऊपर जाती रही, वैसे वैसे इन पाकिस्तानी जो बाकी यूट्यूबर थे उन्होंने भी काउंटर करना स्टार्ट किया। हालांकि आज भी उस तरीके से ये काउंटर नहीं कर पाते जिस तरीके से शोएब चौधरी करता है। और शोएब चौधरी में एक और अच्छी बात है, पैसे ये भी कमाता है, पैसों के लिए ये भी काम करता है, लेकिन ये पैसे खर्च भी करता है, मजलूम लोगों पर खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है, हिंदू मंदिरों पे खर्च करता है, हिंदू लोगों पे खर्च करता है। सिंध में जाके बाढ़ पीड़ितों की जाके इसने मदद की है, खास तौर से हिंदुओं की मदद की है। अभी कराची के अंदर मंदिर तोड़ा गया, वहां पर 6 दिन से बैठा हुआ है बंदा, लेकिन एक भी पाकिस्तान रिएक्शन पे वीडियो बनाने वाले बंदा पहुंचा नहीं है वहां वीडियो बनाने। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे, खर्चा होगा, व्यूज आएंगे नहीं, फिर इनके ऊपर एंटी मुसलमान होने का टैग भी लग जाएगा। अगर यहां पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा माइनॉरिटीज का, लेकिन आप क्यों आएंगे? आपको तो सेव खेलना है, आपको तो टैग नहीं लगवाना। जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के ये कहती हैं कि सोहेब प्रोपोगंडा कर रहा है, सोहेब पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। क्या माइनॉरिटीज के पास जाके उनकी हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। जर्नलिस्ट भी नहीं मैं, यूट्यूबर भी नहीं मैं, तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते। जो यूट्यूबर्स आए हैं, जो जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो बहुत यूट्यूबर, और आप ये मुझे कहती नजर आती हैं कि मेरी जो फैमिली है वो मेरी आधी से ज्यादा फैमिली मीडिया से बिलोंग करती है, तो फिर पूरी फैमिली को लेके आए। मेरी बहन ने मुझे इंटर्नशिप तो सिफारिश से करवा दी। आपने बात बना रखी है, ठेका उठा रखा है कि इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे मैंने काम स्टार्ट किया, फिर सब आए, तो फिर ये मेरे से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आए ये इशू को, आप इस इशू के ऊपर बात करें।